बाबा केदारनाथ धाम जाने के लिए मई से अक्टूबर तक का समय आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफी सुखद रहता है। बाबा केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार से आरंभ होती है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से जा सकते हैं, यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहे तो बस या टैक्सी से जा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 235 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। इससे आगे का 22 किलोमीटर का रास्ता आपको गौरीकुंड से पैदल या घोड़े पर या पालकी पर भी किया जा सकता है। यह रास्ता बहुत ही सकरा है। हरिद्वार से गौरीकुंड पहुंचने के लिए लगभग 2 दिन का समय लगता है। आप रात्रि का विश्राम सोनप्रयाग और अगले दिन गौरीकुंड से यात्रा प्रारंभ करें। इस पहाड़ी रास्ते पर आप अधिक थक जाएंगे। अगले दिन प्रतिकूल मौसम वाली जगह से गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की चढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होगी। मेरा मानना है कि हरिद्वार के रास्ते आपको बहुत सारे ऐसे स्थान में जो आपको जाना आवश्यक है, जैसे कि रुद्रप्रयाग। यह भी अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, यह दो नदियों का संगम है। इसके आगे रास्ते पर माँ धारी देवी का मंदिर जरूर जावे। गौरीकुंड पहुंचकर आप अपना सामान होटल या गेस्ट हाउस लाकर रखकर सुबह 6 बजे तक अपनी यात्रा गौरीकुंड से प्रारंभ कर दें। शाम होते तक लगभग 22 किलोमीटर का सफर तय कर आप बाबा केदारनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन करें और रात को केदारनाथ में लॉज या टेंट में ही रुके। यदि आप चाहें तो सुबह उठकर भैरव मंदिर, वासुकीताल, रेतस कुंड को भी जाकर देखिए और दोपहर में केदारनाथ से निकलकर रात तक गौरीकुंड में आकर रुके। मेरा यह मानना है कि यदि आप केदारनाथ जाते हैं तो भोलेनाथ की धरती पर आप एक रात अवश्य गुजारें। महान्यूज 7 के लिए अभिषेक भटनागर की धार्मिक रिपोर्ट, गोंदिया। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता, रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।